हेलो दोस्तों, आप व्हाट्सएप पे तो मैसेज अपने दोस्तों को भेजते ही होंगे, लेकिन दोस्तों कोई भी अगर आपका दोस्त आपके पास मैसेज भेजता है और आप उसे रीड कर लेते हो और आप चाहते हो कि मैं मैसेज देख लूँ, उसको अगले बंदे को पता ना चले कि मैंने रीड किया है या नहीं किया है, तो आप वो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं हूँ अंकित जांगड़ा, आप देख रहे हो प्यारा है यूट्यूब चैनल अंकित जांगड़ा, जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है और मिलती ही रहेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने मेरे इस दूसरे व्हाट्सएप से मेरे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ। जैसे कि जी, जैसे कि मैंने मैसेज कर दिया है, अब मैं अपना दूसरा व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब मैं उस पहले जो मेरे दूसरे वाला जो व्हाट्सअप था स्टार्टिंग वाला, उस पर मैं देखूँगा। जैसे कि मैंने उस पर मैसेज देख लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू टिक यहाँ पे आ चुका है, ताकि उस जो मेरा पहला वाला व्हाट्सअप था उससे मैंने ये मैसेज देखा था, तो रीड हो चुका है, यहाँ पे ब्लू टिक आ चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि आपका जो ये व्हाट्सअप है, आपका जो ये मैसेज आया हुआ है, जैसे कि आपने ये देख लिया और अगले बंदे के पास ब्लूटूथ का ऑप्शन वहाँ पे चला गया कि हाँ, उसने उसको पता चलेगा कि आपने उसका मैसेज आपने देख लिया है। तो आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि आप उसका मैसेज भी देख लो और उसके पास वो रीड ना हो पाए, उसके पास वो ब्लूटूथ ना हो पाए, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, आपको ऊपर थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑप्शन देखने को मिलेगा रीड रिसिप्ट्स, इस ऑप्शन को आपको ये हरदम ऑन रहता है, आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे आप इसे डिसेबल करोगे और आपको अपना यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप दोस्तों, आपको फिर से अपनी उसी जो दूसरा व्हाट्सअप था आपका, उस पर जाना है। जैसे कि आपका दोस्त वगैरह कोई भी जैसे करता है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ हेलो लिख के, और फिर आपको जाना है अपने पहले वाले व्हाट्सएप पे, पहले वाले व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, तो आपके पास वो मैसेज आ चुका है जो अपनी आप देखना चाहते हो। तो दोस्तों, ये मैसेज यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो जो अगले बंदे ने किया है, तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों, देखना ये है कि उसके पास वो रीड हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ से पहले वाले व्हाट्सएप पे जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रीड नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्लू टिक नहीं आया है। तो ऐसे आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग ऐसे कर सकते हो, ताकि अगले आप मैसेज भी देख लो और अगले बंदे को पता भी ना चले कि आपने देखा है या नहीं देखा है, क्योंकि उसके पास जो ब्लू टिक है वो ऑप्शन उसे दिखेगा ही नहीं, उसके पास अनेबल ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा उसके पास कि उसने मैसेज अगले बंदे ने देखा है या नहीं देखा है। तो इस वजह से आप अपना ब्लू टिक हटा सकते हो, ताकि अगले बंदे को पता भी ना चल सके आपने मैसेज देख लिया है। आई होप दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप मुझे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ।